खरीद लिया, तो इसमें हम इमीडिएटली क्या लेंगे, एट्रोपिन देंगे। एट्रोपिन से नॉर्मल आ गया ठीक है, नहीं तो हम क्या लेंगे इसको, पेशेंट को कार्डियोलॉजिस्ट क्या करेगा, पेसमेकर लगाएगा ठीक है। एट्रोपिन देंगे, हार्ट रेट आप देखो ना इससे भी, लेकिन एक और चीज आप देखो इरेगुलर भी है, इरेगुलर है आपके, देखो ये देखो ये गैप इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब पेशेंट को कोई ना कोई हार्ट लो वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो अगर हम ये लीड टू पूरी देखेंगे उसमें हमें पता चल जाएगा कौन सा हार्ट ब्लॉक है। थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्या होता है, थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में जितनी पी वेव है उसके बाद क्यू आर एक्स नहीं आएगा, और हर क्यू आर एक्स में पी वेव नहीं आएगी, तो ये होते हैं हार्ट ब्लॉक्स। ये पता चलते हैं सारे हार्ट ब्लॉक्स में हार्ट रेट लेस देन 50 रहेगी। यस ये बताओ, यस सिस्टर आप बताओ क्या है, पढ़ो इसको पहले पढ़ो। ए 40 ईयर ओल्ड मैन ब्रॉट टू योर टर्शियरी ईडी आफ्टर बीइंग फाउंड अनकॉन्शियस, पल्स रेट पी आर नो पल्स, जो पल्स है पेशेंट को पल्स नहीं है, अनकॉन्शियस आया पेशेंट, तो अनकॉन्शियस आया तो क्या हो गया, कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट में पेशेंट को क्या है, ये वीएफ है, कितना अच्छा रिदम आ रहा है, सारी तो एक जैसे है, बीएफ में ये बीटी है, वेरी गुड, और कौन सा बीटी हो गया, वेरी गुड पल्सलेस बीटी, तो कौन सा क्या देना है इसमें, शॉकेबल रिदम, ठीक है। ऐसे ही है कि भाई शॉक देने से पहले मेक क्लियर के भी सभी को आप क्लियर बोल दो ठीक है। मत लगा चिप जाइए यहाँ पे पीछे उधर है, यस पास करेंगे, 10 मिनट लूंगा, 10 मिनट में सारा रिवाइज हो जाएगा। यस yes, आप बताओ सर, यस बताओ सर, केस 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 है बताओ, कैसे मैनेज करोगे इसको, पल्स 45 है, बीपीएम मतलब बीट्स पर मिनट, बीपी 50 है, नो एसबीपी मतलब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। एक पेशेंट आया आपके पास छाती में दर्द बता रहा है, आपसे बात कर रहा है, आपने उसके वाइटल लिए, पल्स 45 है, बीपी 50 है, क्या करोगे सर, नेक्स्ट बैठ जाओ, यस क्या करोगे सर, पेशेंट चल के आया गुरु, चल के आया बता रहा है छाती में दर्द है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, पल्स 45 है, बीपी 50 है, चेस्ट पेन बता रहा है, वेरी गुड, बीपी कम है, वेरी गुड, फ्लूड रश करेंगे आप, लेकिन सबसे पहले आप पल्स को मेंटेन करेंगे, क्योंकि पेशेंट आपका ये ब्रेडी अरिथमिया है, किसका केस हो गया, ब्रेडी अरिथमिया, एट्रोपिन दो साथ में फ्लूड रश कर दो ठीक है, वेरी गुड, यस सर, पेशेंट है पल्स 45 है, बीपी 100 है, ये सिम्टोमेटिक है, कोई सिम्टम्स नहीं है, ओपीडी में ऐसे ही दिखाने आया था ठीक है, रेगुलर चेकअप के लिए, और कोई सिम्टम्स नहीं है पेशेंट को, नेक्स्ट क्या करोगे, ब्रेडी का केस हो गया, लेकिन पेशेंट लास्ट में क्या लिखा हुआ है, एसिम्प्टोमेटिक है, तो आपको कुछ नहीं करना पेशेंट से, खाली आपको पेशेंट से क्या करना है, खाली पेशेंट को कन्विंस करना है, सर आपकी हार्ट रेट कम चल रही है, वो एथलेटिक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपको अपनी जांच करवानी चाहिए क्यों है ठीक है, यस आपके पास पेशेंट आया है चेस्ट पेन लेके इमरजेंसी में, ये वाइटल से नॉर्मल स्टेबल पेशेंट है, कुछ नहीं करना बस, पर जरूरी थोड़ी सब में कुछ करना है, यस यस सर आप बताओ, पेशेंट चेस्ट पेन बता रहा है, क्यू आर एक्स वाइड है, बीपी 50 है,
पल्स 165 पे। सर ये सोफे की पेशी को जैसे चेकी पैड के अंदर। वेरी गुड, एक्सीलेंट, क्लैपिंग। शॉकेबल पेशेंट है, टैकी एरिथमिया है। अब ये और बताओ कितना शॉक दोगे आप इसको, क्योंकि पेशेंट का बीपी हाइपोटेंशन में। अगर यही पेशेंट आपका बीपी 100 या 150 होता तो आप डिलजेम से या फिर कार्ड्रॉम से काम चला लेते। अब पेशेंट आपका अनस्टेबल है, चेस्ट पेन बता रहे हैं, QRX वाइड है, तो आप इसको कितना शॉक दोगे? 100। वेरी गुड, एक्सीलेंट। यस, नेक्स्ट पेड लो, नेक्स्ट बताओ। सिर्फ शॉक लेंगे इसको। वेरी गुड, क्यों देंगे शॉक? क्योंकि सिर्फ बीपी लोअर साइड और पल्स 245 है। वेरी गुड, केमिकल देंगे। गुड गुड, कौन सा कार्डियो वर्जन बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रिकल। वेरी गुड, एक्सीलेंट। यस, ईसीजी में आपका लिया है जो आपके मॉनिटर में इधर दिखा रहा है, पल्स नहीं है, पेशेंट अनकॉन्शियस है, तो ये क्या हो गया आपका? नॉन शॉकेबल रिदम हो गया। इसको क्या बोलेंगे? पल्स आ रही है वहां पे दिखा रहा है, पेशेंट को नहीं है पल्स, क्या बोलेंगे? पल्सलेस इलेक्ट्रिकल कार्डियक अरेस्ट में नॉन शॉकेबल रिदम। यस, इस पे क्या करेंगे? बताओ क्या करेंगे? सीपीआर स्टार्ट करेंगे सर। फ्लैट लाइन, सबसे पहले चेस्ट लीड और मॉनिटर की लीड, उसके बाद नेक्स्ट क्या चेक करेंगे? पल्स, पेशेंट की पल्स रिस्पांस, तीनों चीजें चेक करेंगे, फिर आप उसको, ये कौन से रिदम में आएगा? सर ये नॉन शॉकेबल में। कितनी देर में एडीआर देंगे? सर 4 मिनट। और बाकी चेंज रोल? 2 मिनट में चेंज रोल करेंगे सर। नेक्स्ट कार्डियक अरेस्ट का पेशेंट को रोज कहा गया, आप क्या क्या करोगे? पांच चीजें सर, सबसे पहले सीटी करवाएंगे। वेरी गुड, एक्सीलेंट। न्यूरोलॉजिकल कंडीशन देखने के लिए ब्लड तो नहीं है। यस, नेक्स्ट ईसीजी करवाएंगे सर। बीपी, हाँ बीपी, अगर सिस्टोलिक कितना मेंटेन करेंगे? सिस्टोलिक सर एटलीस्ट 90 टारगेट रखेंगे, 100 भी कर सकते हैं। यस, नेक्स्ट वाइटल्स क्या होते हैं? सैचुरेशन 94 मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट शुगर, हाँ चलो नॉर्मल कर देंगे। और पल्स रेट ठीक है। नेक्स्ट बैठ जाओ। यस सिस्टर, यस ईसीजी आपका फ्लैट लाइन बता रहा है सिस्टर, जैसे ये देखो ईसीजी ये दिखा रहा है, लेकिन आप पेशेंट की पल्स चेक कर रहे हो तो पेशेंट को पल्स आ रही है, इसका मतलब कहां पे गड़बड़ है? लीड्स प्रॉपर नहीं है, लीड्स आपको लगानी। वेरी गुड, यस सर। चेस्ट पेन दे रहा है पेशेंट, बीपी 50 है, पल्स 180 है। लुक एट हियर, मॉनिटर में देखो यार, क्या केस हो गया ये? कार्डियक अरिथमिया, स्टेबल है, अनस्टेबल है? अनस्टेबल है, क्योंकि चेस्ट पेन भी है, बीपी भी। इमीडिएटली क्या करोगे? चेस्ट पेन है, इसका मतलब पेशेंट कॉन्शियस है, वो अपनी तकलीफ बता रहा है, तो तुरंत क्या करेंगे? सिंग। ये कौन सा रिदम है? वाइड रेगुलर है, वाइड इरेगुलर है, वाइड नैरो रेगुलर है, नैरो इरेगुलर है, तो कितना जूल सेलेक्ट करेंगे? 50 जूल पे, और इसको शॉक दे देंगे। शॉक देने से पहले दो चीजें क्या क्या करेंगे? वेरी गुड, सेडेट करेंगे और जेली लगाएंगे, ठीक है। और यस, नेक्स्ट सिम्टोमेटिक ब्रैडीकार्डिया, मतलब पेशेंट की हार्ट रेट, ये मॉनिटर में दिखा रही है, सिंक प्रेस कर दो। वेरी गुड, एट्रोपिन दे दिया आपने, उसके बाद इन्फ्यूजन डोपामिन का 3 डोज देने के बाद देंगे, 3 बार आपने एट्रोपिन ट्राई कर दिया, उसके बाद आप इन्फ्यूजन पे ले लेंगे, 5-10 मैक्स पर केजी पर मिनट के हिसाब से आप चल देंगे, ठीक है। कार्डियोलॉजिस्ट को आप कॉल कर देंगे। यस, नेक्स्ट सिस्टर,
वेरी गुड एक्सेलेंट है खाड़े तो इसमें सारे हैं यस सिस्टर नेक्स्ट पेशेंट आया आपके पास ठीक है ये रिदम है पेशेंट का और पेशेंट रेगुलर चेकअप के लिए आया था आपने ठीक है सिस्टर ने देखा इसको हार्ट रेट 119 है और सिस्टर ने आरआरटी नया नया सीखा था क्योंकि आरआरटी में तो आपको इन्फॉर्म करना है अनाउंस करके आरआरटी को बुला दिया आरआरटी के डॉक्टर आप हैं ड्यूटी पे क्या करेंगे आप ये तो सर कोई वर्कआउट करके आया हो या एसिम्प्टोमेटिक आप सिम्टम्स पूछेंगे सिम्टम्स में आप बीपी चेक करेंगे सैचुरेशन पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहा है आपको एक चीज याद रखनी है हसिया क्या याद रखनी है हसिया हसिया मतलब एच फॉर हाइपोटेंशन ए फॉर अल्टर्ड मेंटल स्टेटस एस फॉर साइंस ऑफ शॉक आई फॉर इस्टीमिक चेस्ट डिस्कम्फर्ट और ए फॉर एक और ए में क्या आएगा एक्यूट हार्ट फेलियर के साइंस अगर इनमें से कोई एक आधी चीज है तो वो सिम्टोमेटिक है नहीं तो एसिम्प्टोमेटिक है ठीक है यस कौन रह गया किसने जवाब नहीं दिया आपने दिया यस बताओ शॉक लिंक वेरी गुड कितना देंगे ये देखो एक्चुअल बीटी आपको ये देखो एक्चुअल बीटी आपको बीटी देखना चाह रहे थे ना यस तो ये कौन सा बीटी हो गया पल्सलेस हो गया ठीक है तो पल्सलेस में हम क्या यूज करेंगे शॉकेबल रिदम रहेगा तो हमारी जो स्टैंडर्ड डोज है वो यूज करेंगे सपोज करो यही पेशेंट हमारा चलता हुआ है चेस्ट पेन के साथ पाल्पिटेशन की हिस्ट्री बता रहा है तो क्या करेंगे चलता हुआ है तो टैकीअरिथमिया हो गया तो क्या करेंगे सिंक्रोनाइज कार्डियोवर्शन देंगे अगर बीपी लोअर साइड है अनस्टेबल है अब ये कौन सा रिदम हो गया वाइड रेगुलर है वाइड रेगुलर हो गया है तो वाइड रेगुलर के हिसाब से इसमें चार डोज आपको याद रखना है जैसे ये हमारा हो गया नैरो रेगुलर तो ये वाइड रेगुलर हो गया ठीक है क्लियर लास्ट पल्स नहीं है बीपी अनरिकॉर्डेबल है लेकिन आपका ईसीजी रिदम दिखा रहा है ईसीजी आपका रिदम दिखा रहा है वेरी गुड पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कंटिन्यू जीपीआर और रिदम और चेंज रोल आफ्टर टू मिनट और हर चार मिनट पे स्टॉप ठीक है डन गुड एनी डाउट्स कुछ लग रहा है कुछ इंटरेस्टिंग था हाँ सर बोरिंग तो नहीं थी ना क्लास नो सर कैसी लगी सही बताइए।